साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप। मौसम तो बड़ा मिजाज बदल रहा है, कभी बारिश होती है, कभी हवा चलती है, कभी रात में सर्द हो जाती हैं, दिन तपने लगते हैं, कभी तेज हवाएं चलती हैं, कभी बारिश का दौर तो चलता है, साथ में ठंडक भी घुली रहती है और कभी कभी कोहरा छा जाता है। हालांकि इस मौसम के बीच में चुनाव भी इसी दौरान थे और चुनावों ने किस कदर से लोगों में उत्साह जागृत किया और इस मौसम के ठंडे मौसम को गर्म कर दिया, क्योंकि राजनीतिक गर्मी थी और इसी गर्मी के साथ जब चुनाव की वोटिंग हुई, वोटिंग के बाद रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद सीएम का चयन हो गया। सीएम का चयन ने सभी को चौंका दिया। अब सारे लोग सोच ही रहे थे कि अब चौंकाएंगे फिर से, केंद्र का जो हाईकमान है वो फिर से चौंकाएगा जो भाजपा का हाईकमान है, और वही हुआ। हालांकि कुछ पुराने चेहरों को तो तवज्जो दी गई, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे थे बड़े बड़े योद्धा, जैसे युद्ध में योद्धा रहते हैं ऐसे बड़े बड़े योद्धा थे जिन्होंने ऐसे कोई लहर नहीं थी उस समय भी अपनी सीटें निकाली, अपनी लोकसभा की सीटें, अपनी विधानसभा की सीटें निकाली। अब वो विधायक भी रहे, कई ऐसे दिग्गज भी हैं, लेकिन उनके लिए साइडलाइन कर दिया गया। अभी साइडलाइन क्यों किया गया, इस पर मंथन हो रहा है। अब मंथन करने वाला कौन है, मीडिया ही करेगा मंथन, क्योंकि मीडिया सारी चीजें बताता है, सारी हवाएं किसको और चल रही है वो बताता है, सारे अनुमान बताता है और कुछ अनुमान सही भी साबित होते हैं। अब ये अनुमान भी आप देख लीजिए कि मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र गिने चुने लोग यहाँ से मंत्रिमंडल में आए हैं। मोहन सरकार का कल मंत्रिमंडल का जो विस्तार था वो हुआ था, 28 मंत्रियों ने शपथ ले ली। अब 28 मंत्रियों ने शपथ ले ली, कौन आए उनको और वो गए। कुछ लोग इससे उम्मीद के साथ गए क्योंकि मीडिया में पट्टी चल रही थी, मीडिया इसलिए पट्टी चला रहा था कि उसको उम्मीद थी कि इन लोगों को मौका दिया जाएगा। अब देखिए, अब गोपाल भार्गव को ही लीजिए, पंडित गोपाल भार्गव रहली विधानसभा से हैं, बुंदेलखंड का जो है सागर जिला है, जो मुख्यालय उससे महज 30 किलोमीटर की दूरी पर है रहली, एक रहली विधानसभा है। रहली विधानसभा से 9 बार वो विधायक चुने गए, कभी नहीं आए, अजय योद्धा उनके लिए कहा जाता था और वो अच्छे मतों से भी जीते और उनको उम्मीद थी कि हमें मंत्रिमंडल में लिया जाएगा। प्रोटेम स्पीकर उन्हें बना दिया गया था शुरू में, उन्होंने शपथ दिलाई और पूरी जो नियमावली है, जो प्रावधान है, उनका निर्माण किया और फिर उन्होंने उम्मीद थी कि हम मंत्रिमंडल का विस्तार वो समय बुलाया जाएगा, लेकिन उन्होंने नहीं बुलाया गया। 28 मंत्रियों ने शपथ ले ली। ऐसे ही भूपेंद्र सिंह जी थे, उन्हें भी नहीं बुलाया गया। ऐसे कई चेहरे हैं, शिवराज सरकार के कई मंत्री हैं और कई मंत्रियों के लिए साइडलाइन कर दिया गया, उन्हें नहीं बुलाया गया। अब बात ये उठ रही है कि इनके लिए कहाँ एडजस्ट किया जाएगा। हालांकि कुछ केंद्र सरकार के मंत्री यहाँ के चुनाव लड़े मध्य प्रदेश में, मध्यप्रदेश में जमकर उन्होंने लोहा लिया, कांग्रेस से चुनाव लड़ा और विधायक बन गए, केंद्रीय मंत्री विधायक बन गए, मैंने सांसद थे वो भी विधायक बने, कुछ केंद्रीय मंत्री भी थे सांसद बनके, जो ज्यादा जिनको अनुभव था वो केंद्रीय मंत्री बने। तो कुछ सांसद और कुछ केंद्रीय मंत्री उन्होंने चुनाव लड़ा, अब वो विधायक बन गए, डमोशन हो गया। लेकिन अब जो विधायक यहां से जीते हैं उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है और अब वो दिल्ली पहुंच गया, ये सूत्र बता ला रहे हैं, तो हम मीडिया के माध्यम से आपको भी बता रहे हैं। गोपाल भार्गव का नाम जो है रैली विधानसभा क्षेत्र से इसलिए बार बार लिया जा रहा है कि सबसे वरिष्ठ विधायक हैं वो और 9 बार के विजेता हैं, एक ही पार्टी एक ही विधानसभा क्षेत्र, और कभी 50,000 वोटों से कम के अंतर से वो नहीं जीते। उनकी बात सभी के लिए चौंका रही है, उनके लिए क्यों नहीं लिया। अब लग रहा है कि उन्हें या तो सांसद बनाया जाएगा, क्योंकि जो प्रहलाद पटेल हैं वो मध्य प्रदेश की दमोह संसदीय क्षेत्र से सांसद थे, उन्हें मंत्रिमंडल में ले लिया गया, विधायक का चुनाव लड़वाया गया उनसे, उन्होंने चुनाव भी जीता नरसिंहपुर से, नरसिंहपुर जो है वहां से उन्होंने चुनाव जीता और वो विधायक बन के अब मंत्री की शपथ ले ली, तो वो खाली हो गया। दूसरा कैलाश विजयवर्गीय हैं, वो महासचिव थे तो उनके लिए भी वो इंदौर क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते हैं और महासचिव भी, महासचिव का जो है वो एक पूरा पावर उसके लिए एक सीएम के बराबर होता है, किसी प्रदेश का जितना सीएम होता है उतना ही पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव होता है। तो कैलाश विजयवर्गीय यहाँ आए, तो वहां एडजस्ट करने का चल रहा है गोपाल भार्गव के लिए कि वहां उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बना दिया जाएगा या फिर सांसद का उन्हें टिकट दिया जाएगा, या तो वो दमोह से चुनाव लड़ेंगे या सागर से। हो सकता है भूपेंद्र सिंह और गोपाल भार्गव दोनों दमोह और सागर से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और फिर इन्हें केंद्रीय मंत्री भी बनाया जा सकता है या संगठन में रखा जा सकता है। अभी भी संगठन यहां भी जो है, संगठन की यहां भी जरूरत है, मध्य प्रदेश में भी यहां भी इन्हें एडजस्ट किया जा सकता है। गोपाल भार्गव के लिए और भूपेंद्र सिंह के लिए और जैसे और जो कई मंत्री हैं पूर्व मंत्री शिवराज सरकार के, उन्हें कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा। काफी दर्जनों मंत्री हैं, कुछ दर्जनों हार भी गए, कुछ दर्जनों घर बैठे, इनके लिए कोई काम ही नहीं बताया गया, आप बताया जाएगा। लेकिन
जेपी नड्डा जी हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने वहां बुलाया दिल्ली, एक एक करके सबसे बात की है, हालांकि पूरे होशो हवास में और पूरे नियम के तहत किया गया। अब आपको यदि ये लग रहा है कि आप इस निर्णय को गलत मानते हैं तो आपको राजनीति के जो है उसका अध्ययन करना चाहिए। इसी से तो कहते हैं अब जो मोदी एक चल रहा है यहाँ, तो आपको राजनीति से भी आपको अध्ययन करना पड़ेगा। कॉलेज में अध्ययन करिए, आप बीए करिए, एमए करिए, वहां से आप राजनीति का अध्ययन करिए, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट करिए, पूरा अध्ययन करिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या हुआ है। समाज शास्त्र से जो है उनके लिए, इन विषयों के लिए मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इन विषयों के लिए छात्रों ने साइड में कर दिया है, क्योंकि इंग्लिश संस्कृत केमिस्ट्री और आपका मैथ के जो है सब्जेक्ट उनके लिए लेकर और लोग पढ़ाई करते हैं, जिससे कि वो आगे उनका भविष्य बन सके, इनको कोई नहीं पूछता था। लेकिन अब पूछना पड़ेगा समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी, इन विषयों को अब धरातल पर आए सारे लोग, अब आपको समझना पड़ेगा। नहीं तो हवा में बातें करने कोई ने कह दिया आपने हाँ हूँ, अरे ये गलत हुआ, इसको क्यों चुन लिया, ये सीएम क्यों बना दिया, इनको मंत्री क्यों बना दिया, ये क्या करेंगे, अरे सारे समीकरण इसी में बैठा ले जाते हैं, वर्गवार विभाजन होता है, वर्ग के हिसाब से बनाई जाती है सरकारें, गठन होती हैं, क्योंकि हमें लोकसभा का चुनाव लड़ना है, मोदी के लिए जो भाजपा है वो मजबूत करना चाहती है, खुली सी बात है, तो इसके लिए उन्होंने इतनी उठापटक की है। तो अब आपको सोचना पड़ेगा, राजनीति का अध्ययन करिए फिर सोचिए, क्योंकि ये गुट विशेष बन जाता है। दिग्विजय सिंह जी है जो कांग्रेस के पूर्व सीएम है मध्य प्रदेश के, उन्होंने कहा था तीन भाजपा चल रही है मध्य प्रदेश में, शिवराज भाजपा, नाराज भाजपा और महाराज भाजपा, और वो आज बात सही हो रही है, क्योंकि इनका गुट था शिवराज सिंह का और इस गुट के विधायक भी थे, तो प्रभावशाली हो रहे थे वो, ये प्रभावशाली नहीं होने दे रहे, चाहे थी था जो हाईकमान है केंद्र से सारी निर्णय लिए गए, इनको कमजोर करिए, कोई और भी है उनके लिए भी नहीं बनाया सीएम, क्योंकि उनके भी विधायक थे, कुछ ना कुछ तो पावर रखता होगा, इतने सालों से जो विधायक बन रहा है और विधायक बनने के बाद मंत्री भी बन रहा है, तो उसका पावर वो पावरफुल हो गया, तो पावरफुल लोगों के लिए नहीं किया गया। आज बना दिया डॉक्टर मोहन यादव को सीएम बना दिया गया, अब मोहन यादव सीएम बने हैं, मोहन यादव को छह महीने बाद एक साल बाद यदि साइड में कर दिया जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका कोई गुट ही नहीं बनवा, उनका जब गुट नहीं बनेगा तो स्वतंत्र रूप से हाईकमान निर्णय ले सकता, अब निर्णय लेने की स्थिति में नहीं रहा हाईकमान, अब निर्णय लेने की क्षमता रखने लगा हाईकमान, इसलिए पहली बार जो विधायक बने उनके लिए मंत्री पद दे दिया, उनको हटा भी देंगे लोकसभा चुनाव के बाद, यदि उनकी परफॉर्मेंस सही नहीं रही तो उनको हटा देंगे, अब हटाएंगे तो उनकी जगह दूसरे को ले लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ना वो विद्रोह कर पाएंगे ना कहीं जा पाएंगे, कहां जाएंगे पार्टी छोड़कर, मंत्री बने पूर्व मंत्री कहलाने लगेंगे, तो ये भी रणनीति चल रही है। हाँ, जिनको छोड़ा है उनके लिए भी ले सकते हैं हाईकमान, अब तो दिल्ली से सरकारें चलने लगी हैं भाजपा की, तो वो उनको वहाँ एडजस्ट कर सकते हैं जो जिनको छोड़ा है, कहीं ना कहीं तो उनको करेंगे, या जब इनसे नहीं संभलेगा तो फिर इनको सौंप देंगे कि भाई आप इनसे समझ ही नहीं रहा, मध्य प्रदेश में आपको विभाग बढ़ गए, सब कुछ हो गया, आपको पावरफुल बना दिया गया, मंत्री हैं, लाल बत्ती में घूम रहे, लेकिन फिर से नहीं बन रहा, आपको कुछ करते तो फिर आप किनारे रहिए हम उन्हीं लोगों को फिर से, क्योंकि विधायक तो वही, जब विधायक वो चुने गए हैं तो विधायक तो अच्छे मतों से जीते, उनको फिर से कर दिया जाएगा। तो अब आपको मोटी बात सारी बातें छोड़कर एक बात पकड़ना पड़ेगी कि अब वो इनको गोपाल भार्गव जी के लिए, पंडित गोपाल भार्गव हैं रैली से जो 72,000 से इनकी जीत हुई है, उनको राष्ट्रीय महासचिव बना जा सकता है, दमोह संसदीय क्षेत्र से इनके लिए लोकसभा का चुनाव लड़ाया जा सकता है, सागर लोकसभा से भी इनको चुनाव लड़ाया जा सकता है, मध्य प्रदेश के पावरफुल नेता है उनके लिए मध्य प्रदेश की किसी भी सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है, राज्यसभा में भी इनको एडजस्ट किया जा सकता है, माने कहीं भी इनके विकल्प बहुत से विकल्प खुले हैं। इसी तरीके से भूपेन्द्र सिंह है, भूपेन्द्र सिंह जी के लिए भी यही सारे दरवाजे खुले हैं और उनके लिए भी राष्ट्रीय महासचिव, हमने आपको पहले भी बताया कि उनके राष्ट्रीय महासचिव बनाया जा सकता है या प्रदेश की राजनीति में सक्रिय किया जा सकता है, संगठन में सक्रिय किया जाता है, एक सरकार होती है एक संगठन होता है, दोनों में कहीं ना कहीं उनको एडजस्ट किया जाएगा, या सीधा उन्हें इतने वरिष्ठ हैं वो कि उन्हें भी केंद्र की राजनीति में भेजा जा सकता है। दोनों जो नेता हैं जो बुंदेलखंड के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद का चुनाव लड़ाने का विकल्प खुला हुआ है और यही अध्ययन आज वहां केंद्र की जो है हाईकमान है वो इनकी सोच रहा है, और तरह तरह की जो अनुमान लगाए जा रहे हैं वो अनुमान धरी की धरी रह जाते हैं, फिर कितने अनुमान लगाए थे इसको लिया जाए उसके लिए, जो हम बता रहे हैं वो आप उस बात को आप सटीक समझिए और यही होने वाला है और ये अनुमान सच में बदलेगा। जुड़े रहें सागर दस्तक न्यूज पर, मैं आपका अपना एनके भार्गव, आप जुड़े रहें सागर दस्तक न्यूज के साथ, देखते रहें सामाजिक क्षेत्र के समाचार, धार्मिक क्षेत्र के समाचार और राजनीतिक क्षेत्र के समाचार। नमस्कार।